खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से, जहां पेपर मिल के खिलाफ 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान श्रमिक राजीव दुमका का स्वास्थ्य खराब होने से प्रशासन की टीम ने धरना स्थल पर पहुंची, जहां से आंदोलनकारी राजीव दुमका को जबरन उठा लिया गया। इस दौरान आंदोलनकारियों तहसीलदार सचिन कुमार कुतवाल डीआर वर्मा के साथ झड़प हुई, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासन की टीम ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी राजीव दुमका को उठा लिया, जिन्हें डॉक्टरों की देखरेख में एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी अस्पताल भेजा गया। राजीव के बाद आंदोलनकारी श्रमिक मुकेश कवरवाल ने भूख हड़ताल शुरू कर पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर तानाशाही का आरोप लगाया। लालकुआ से मुन अंसारी की रिपोर्ट। शासन बता दिया मेरी क्यों नहीं सुना। हम 10-12 साल से यहाँ काम कर रहे थे, उसके बाद अभी तो भर्ती करने का टाइम आया तो इन्होंने को लिया नहीं, और तो समय से हम काम और कर रहे हैं और इनको हमको लिया नहीं। और अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, हमें यहाँ से उठने वाले नहीं है। देखो आज 3 दिन से ज्यादा उसको धरने पर यहाँ पर बैठे हुए थे, और सुबह डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और उसकी जांच पड़ताल करके गई थी, और हमने उनसे कहा था अगर इनकी तबियत अगर स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो हम इनको स्वयं लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, आपको कोई ऐसी बात नहीं। इनने कल रात जो लालकुआ तहसीलदार मजिस्ट्रेट है वो और यहाँ के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और वहाँ के SSI महोदय जो रात को यहाँ पर आए थे और तहसीलदार महोदय के निर्देशन में आए थे, और तहसीलदार महोदय का जो रवैया था कल रात यहाँ पर, 64 दिन से लगातार धरना चल रहा है, एक मजिस्ट्रेट होने के अलावा एक जिम्मेदार तहसीलदार व्यक्ति होने के बावजूद यहाँ पर नहीं आए।